काफ़ी सारे लोग लीडर क्लास में पहले टनार ही लेते हैं, उसके बाद भाई SR वगैरह, क्योंकि पावर डिलीवरी बहुत लीनियर है भाई टनार की। सही गाड़ी है तो बिना चलाए भी अपन बुक कर देते हैं। यहाँ भाई कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसको बिना चलाए बिना देखे भाई कैसे बंदा बुक कर दे बताओ। अभी अपन को लग रहा है इनलाइन फोर है, जब तक चला के नहीं देखेंगे यार जब तक समझ में नहीं आएगा तो कैसे। लेकिन फिर भी यार 400 cc है तो टॉर्क तो 400 cc वाला ही मिलेगा, ठीक है ना। BHP इंक्रीज है, 11 lakh rupees भी नहीं भाई, 11 lakh rupees के बाद आपको कंपनी क्या देगी गाड़ी में भाई। आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं सब तो लगाना पड़ेगा आपको। आराम से 2.5 lakh rupees की एसेसरीज लगेंगी। हेलो रेसर फोर्स, दिस इज लकी द रेसर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, ZX4R के बारे में बात करने वाले हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई है ना भाई, मेरा दिमाग जो है ना पूरा घूम गया है वो बात सुन के। मैंने बोला हट, कौन लेगा यार ZX4R, क्या मतलब फिर ZX4R लेने का। ऐसी कुछ चीज हुई है मेरे साथ, तो मैं अभी आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सब कुछ। मैंने भाई फोन लगाया था कावासाकी शोरूम में और क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो मैं जाता हूँ, GT को निकालते हैं और मोटो ब्लॉग में करेंगे अपन सारी बातें। सो हम लोग निकल चुके हैं रेसर फोर्स और अपनी GT में ना पेट्रोल देखो बिल्कुल भी नहीं है, ब्लिंक कर रही है। कल मैंने इसको चला भी ज्यादा दिया था, तो अभी सबसे पहले हमको पेट्रोल डलाना पड़ेगा। चलो जल्दी से पेट्रोल डलाते हैं। पहले आ गए गाइस अपन पेट्रोल पंप, 500 का डाल देना। कैश है ना? हाँ कैश, एकदम कैश। गजब यार, यामाहा RX 100 द टू स्ट्रोक किंग, लेजेंड, ये लेजेंड लोगों की बाइक है। Here we go. Guys, हमारी जो जल की रानियां है ना उनका खाना भी खत्म हो गया, तो उनका खाना भी लेना है आज। सो रेसर फोर्स, हम आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं ना भाई वो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, समझ रहे हो ना। ZX4R इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग बाइक हो रही है ना भाई, 400 cc इनलाइन 4, 77 PS ऑफ पावर, काफी सारी चीजें उसमें यूनिक है भाई। क्विक शिफ्टर, अपसाइड डाउनसाइड बोथ साइड, काफी सारे फीचर्स उसमें लीटर क्लास वाले आ रहे हैं भाई लोग। तो मैं ना भाई देख के ग्लैड हो गया था, हमने पहले वीडियो भी बना चुके हैं और आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिखाया, काफी सारे लोग पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं। भाई मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना भाई लोग, मैं बना के आप लोगों का फीडबैक भी देखता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा है नई गाड़ी, आप लोगों को कैसी लग रही। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे भाई कोई मतलब नहीं है, क्यों लेंगे एक 400 cc, कितने पैसे देंगे क्या ये वो। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, 8.5 lakh एक्स शोरूम, और मैंने ये सोचा यार कि जब जो नॉर्मल निंजा 400 है वो 5 lakh क्रॉस कर रही है, शायद 6 lakh की आ रही है, शायद मतलब एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, 5-5.5 के तो ऊपर है, तो 6 मान लेते हैं अपन। तो उसके हिसाब से अगर 9-9.5 में भाई इनलाइन 4 मिल जाएगा और पूरे लीटर क्लास वाले फीचर्स ZX सीरीज की बाइक, तो मुझे ऐसा लग रहा था भाई यार सही है यार, क्या बुरा है। और हाई रेविंग इंजन है, साउंड भी अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलेगी। मतलब परफॉर्मेंस 400 cc वाली नहीं मिलेगी आपको, उससे बेटर मिलेगी भाई, कि अच्छी अच्छी 600-650 cc को भी टक्कर दे देगी गाड़ी। तो मैं ये सोच के चल रहा था, अब निंजा ZX4R जो है भाई डीलरशिप में आने लगी है। अभी मैंने यूट्यूब में वीडियोस भी देखा, एक दो जन ने, अभी ज्यादा जनों ने तो नहीं डाला है, एक दो लोगों ने डाला है भाई, और धीरे धीरे अब काफी सारी वीडियोस आएंगी और मुझे पता चला है कि काफी सारी बुकिंग्स भी हुई है, बहुत ज्यादा बिकने वाली है। ठीक है भाई, तो हुआ ये भाई कि मैंने आज लगाया कावासाकी नागपुर में कॉल, ठीक है। तो मैंने उनको बोला भैया, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने कॉल क्यों लगाया। मैंने ये सोचा यार कि अपन है भाई लोग यूट्यूबर, ठीक है ना, अपन कोई भी गाड़ी लेंगे तो भाई अपनी मर्जी से तो लेंगे, साथ में जो अपनी ऑडियंस है, अपनी जो रेसर फोर्स है, अपने जो व्यूअर्स हैं, उनकी भी डिमांड भाई सुनेंगे अपन की वो क्या चाहते हैं, कौन सी बाइक लें। तो मैं यही सोच के चलता हूँ भाई, गाड़ी मैं ऐसी लूँ जो आप लोगों को भी पसंद हो, क्योंकि वीडियोस तो मैं आप लोगों के लिए ही बनाऊंगा ना। तो मैंने सोचा यार जब 4R आ रही है तो क्यों ना यार शोरूम में जाएं। चलो ठीक है यार, नागपुर यहाँ से 250-300 समथिंग दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे यार, राइड करते हुए चले जाएंगे और देख लेंगे गाड़ी, अगर मिलेगी तो चलाने तो चला के देख लेंगे, नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं भाई, लेकिन सामने से तो देख लेंगे ना, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लेंगे। तो मैंने लगाया भाई कावासाकी नागपुर में कॉल, तो बंदा थोड़ा सा भाई उतना फैमिलियर टाइप नहीं लगा मुझे जो बंदा कॉल उठाया जिसने। तो मैंने बोला हेलो भैया, ZX4R आ गई क्या? नहीं, ऐसे नहीं आएगी, आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने भैया मतलब शोरूम में नहीं आई अभी आपके पास डीलरशिप में? तो बंदा बोलता है नहीं वो आएगी नहीं, आपको बुक करना पड़ेगा। तो मैंने भैया बुकिंग अमाउंट कितना? तो कहता है कि 9 lakh rupees एक्स शोरूम है, 9 lakh आपको देने पड़ेंगे, 11 lakh rupees ऑन रोड है। मैंने अरे 11 lakh rupees, मैंने ठीक है भैया मैं बाद में लगाता हूँ,
भाई लोग 11 लाख जब मैंने सुना ना 11 लाख 400 सीसी के लिए, तो फिर मेरे को ऐसा लगा यार, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था 9-9.5 की पड़ेगी भाई, अब 11 लाख बोल रहा है वो बंदा, तो भाई 11 तो कहीं से भी बनता ही नहीं है ना यार लेने का, क्योंकि फिर उसके बाद 3 लाख और डाल के तो अपन को 6R मिल जाएगी, समझ रहे हो, और फिर उसके बाद 3 लाख और ना डाल के भाई 7 लाख रुपए और डाल के भाई अपन को 10R मिल जाएगी यार। और 10R से अच्छा क्या है फिर, लीटर क्लास में मेंटेनेंस भी बहुत प्यारा है और बहुत प्यारी बाइक है, 10R ऑलवेज ऑन डिमांड, हमेशा डिमांड पर रहती है, सबको 10R चाहिए भाई, 10R मतलब स्टार्ट करने के लिए। लीटर क्लास में कई बंदे, काफी सारे लोग लीटर क्लास में पहले 10R ही लेते हैं, उसके बाद भाई S1000RR वगैरह, क्योंकि पावर डिलीवरी बहुत लीनियर है भाई 10R की, बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगता उसको चलाने में, मतलब इतनी ज्यादा भी ब्रूटल नहीं है 10R मैंने जितना देखा है। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई जब 11 लाख रुपए एक 400 सीसी के लिए देना पड़ेगा तो भाई बंदा 10R ही ना ले, और अगर बजट बंदे का 11 लाख है 10-11 लाख है, तो अब भाई मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरा जो थॉट था भाई वो चेंज हो रहा है, अब मेरी जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है, 4R के लिए भाई 11 लाख रुपए तो भाई बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता यार, मेरे हिसाब से 11 लाख जो है भाई मुझे ओवर प्राइस लग रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है भाई 9-9.5 के अंदर अगर आ रही थी तो भाई ठीक था, बुरा नहीं था, लेकिन जो 11 लाख बताया बंदे ने, फिर 1.5-2 लाख रुपए की तो एसेसरीज आपको लगानी पड़ेगी भाई, देखो सुपर बाइक कैटेगरी में आ रही है भाई, ठीक है ना, रेगुलर निंजा 400 तो है नहीं, तो पार्ट्स भी इसके महंगे होंगे, सर्विस भी इसकी महंगी होगी, और एग्जॉस्ट वगैरह लगाओगे भाई आप इसमें फुल सिस्टम ही लगाओगे, है ना, और कॉपी तो इसमें लगाओगे नहीं भाई, लगाओगे ओरिजिनल लगाओगे, लाख रुपए तो वही पहुंच जाएगा, प्लस लाख रुपए फ्रेम स्लाइडर्स लगाओगे, स्पॉक प्रोटेक्टर्स लगाओगे, ये सारी चीजें लगाओगे भाई आराम से, आपको मालूम है सुपर बाइक की एसेसरीज कितनी महंगी आती है, तो 2 लाख तो यही हो जाएगा, तो भाई गाड़ी आपको लगभग 13 लाख रुपए की पड़ जाएगी, 14, और जैसे जैसे आप मॉडिफाई कराओगे वैसा वैसा खर्चा बढ़ता जाएगा। तो भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई कि भाई 10R बेस्ट है, कि अगर कोई 11 लाख लगाएगा तो वो सोचेगा भाई 10R ही ले लो, उसको रेन मोड में चला लेंगे सीखने के लिए, फिर ऐसा सोच लेगा बंदा, मेरे हिसाब से तो 11 लाख 10 लाख के आसपास तो 900 है यार, अगर 11 लाख रुपए कॉस्ट करेगी ना, तो फिर तो भाई मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा बंदे लेने वाले हैं उसको, बहुत मुझे ओवर प्राइस लगने लगी। अब पहले मुझे ऐसा लग रहा था 9-9.5 के आसपास रहेगी तो ठीक है यार, क्योंकि मैं उसको कंपेयर भी कर रहा था तो निंजा 400 से कर रहा था, जो कि अराउंड 6 लाख की पड़ती है। देखा जाए तो भाई 6R भी इंडिया में जब आती थी तो उतनी ज्यादा भी नहीं बिकी थी भाई, बंदा लेने वाला 10R ही लेता था, क्योंकि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है यार, अगर 13-14 लाख रुपए की आपको 6R पड़ेगी तो 18 लाख रुपए की आपको 10R पड़ती है यार, जो कि 10R बहुत अलग ही बाइक है, वैसे तो कंपैरिजन नहीं है उसका 4R से, लेकिन भाई प्राइस देखो ना 11 लाख पहुंच रहा है, 11 लाख में तो आपको सेकंड हैंड एक नंबर कंडीशन में 10R मिल जाएगी, बोलो मिल जाएगी कि नहीं, न्यू शेप वाली आजकल 12-13 लाख में मिल जा रही है। तो ये सारी चीज मेरे दिमाग में चली तो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वीडियो बनानी जरूरी है, और भाई जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में तो हम उसको ऐसे थोड़ी बुक करा देंगे यार, जब तक उसको देखेंगे नहीं, चला के नहीं देखेंगे, जैसे 10R है, 10R की इतनी वीडियोस पड़ी है ठीक है ना यूट्यूब में, देख के भाई अपन समझ जाते हैं, हाँ भाई काफी बंदों ने रिव्यू किए हैं, ओनरशिप रिव्यू किए, तो ठीक है अपन सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई सही गाड़ी है, तो बिना चलाए भी अपन बुक कर देते हैं। यहाँ भाई कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसको बिना चलाए बिना देखे भाई कैसे बंदा बुक कर दे बताओ, जैसे कि मैंने उनको फोन किया कावासाकी शोरूम में, उनका कहना यह था कि आपको बुक करना पड़ेगा, सीधे सीधे 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो भाई मैंने बोला वाह ऐसा भी होगा बताओ आप, तो ये चीज है भाई बिना चलाए बिना देखे मुझे नहीं लगता कि ऐसा लेना ठीक भी रहेगा भाई, है ना, अभी अपन को लग रहा है इनलाइन 4 है, जब तक चला के नहीं देखेंगे यार जब तक समझ में नहीं आएगा तो कैसे लेंगे, तो भाई अभी तक जो मैं सोच रहा था 4R के लिए पूरा माइंडसेट मेरा चेंज हो गया है, और कंपैरिजन करने का मतलब यही है भाई कि जो बंदा भाई 11 लाख रुपए 4R में फंसाएगा ऑब्वियसली भाई वो 10R ना ले लेगा लेने वाला बंदा, और जो बंदा भाई 6R अगर 13-14 लाख रुपए की पड़ेगी ठीक है किसी को भाई लेंगे बंदे, ऐसा नहीं है गाड़ी बिकेगी 4R भी बिकेगी, लेकिन एक सोचने वाली बात है यार, जो बंदा एक्सपीरियंस्ड होगा जिसका बजट मैं कह रहा हूँ 10-12 लाख रुपए होगा, अगर वो 4R देखने जाएगा तो वो ये ना सोचेगा भाई कि थोड़ा रुक के ले लूं 10R ही लूं, 10R मालूम है कितनी पावरफुल है भाई दोनों बाइक से, मैंने भाई वीडियोस देखा हूं भाई, 4R की तो बात नहीं करो क्योंकि 4R का तो कंपैरिजन कहीं से भी नहीं है, 400 सीसी और 1000 सीसी में बहुत फर्क है, अगर 6R से भी कंपेयर करोगे ना भाई 636 से 1000 सीसी का 998 या 999 जो भी है, तो भाई 10R जो है ना फर्स्ट गियर में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 10R जो है ना वो फर्स्ट गियर में आराम से 155 के ऊपर की टॉप स्पीड अचीव करती है, वहीं
अगर सिक्स आर की बात करें तो लगभग वो सेकंड गियर में उतना अचीव करती है भाई, बहुत डिफरेंस आ जाता है, समझ रहे हो ना, बहुत डिफरेंस आ जाता है। 10R 260-270 के बाद भी भाई बहुत मस्त खिंचती है, जितना मैंने देखा है। 299 तो मीटर में स्पीड होती है और ऊपर भी जाती होगी, बाकी 240-250 के बाद सिक्स आर तो स्लो होगी ना, उसकी टॉप स्पीड ही भाई लिमिटेड है 260-270 लगभग इतनी होगी, अब 299 तो करेगी नहीं। तो उस हिसाब से भाई मुझे अब ऐसा लगता है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है भाई, बिल्कुल भी ओवर प्राइस्ड बाइक है, हो चुकी है अब 11 लाख बताया बंदे ने मुझे, और बाकी अलग अलग शोरूम में करेगा डिफर। लेकिन फिर भी यार 400 सीसी है तो टॉर्क तो 400 सीसी वाला ही मिलेगा, ठीक है ना। बीएचपी इंक्रीज है, बीएचपी 77 बीएचपी है, मानते हैं 37-38 एनएम टॉर्क है, टॉर्क वही मिल रहा है आपको, 400 सीसी वाला है। बस पावर जो है वो है इतना है कि हाँ भाई भागेगी गाड़ी, ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई अब 11 लाख रुपए दे के खरीदे। और वो भी भाई ZX4R है भाई, डबल आर नहीं आई इंडिया में, 4R आई है, ब्लैक कलर में आ रही है। काफी सारे लोग निंजा को इसलिए लेते हैं क्योंकि भाई सिग्नेचर कलर तो ग्रीन है, KRT कावासाकी रेसिंग टीम, तो वो भी अभी आया नहीं है, क्या पता आगे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बाहर कावासाकी ने ना 4R और 4RR को अलग अलग दोनों वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं, 4R और 4RR। तो अब तो भाई मैं सोचूंगा भी नहीं, मेरा दिमाग ऐसा गया था कि लेना चाहिए, शायद कभी सोचें लेने का 4R, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं। सेकंड हैंड मार्केट में भी जाएंगे भाई, सेकंड हैंड मार्केट में नहीं भी जाएंगे तो कोई अपना बंदा जो 10R ओन करता होगा, अपना कोई दोस्त, CBR 650R भी अब मुझे सही ऑप्शन लग रहा है भाई 4R से ज्यादा, क्योंकि इससे अंदर में ही आ जाती है वो लगभग, और अगर इतने में भी आती है तो भाई बुरी नहीं है, 4R थोड़ी सी ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी काफी सारी चीजें बताए थे, काफी सारे बंदे ये बोल रहे थे कि भाई ओवर प्राइस्ड है यार, कोई मतलब नहीं है लेने का, काफी सारे लोग बोल रहे थे भाई बहुत अच्छी बाइक है 400 सीसी में, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन अब मेरा जो भाई थॉट प्रोसेस है इसको लेके वो चेंज हो चुका है। अगर सीखने के लिए ही भाई इनलाइन 4 में पैर रखना भी है तो मेरे हिसाब से तो 6R में रखो भाई, तब आपको फील होगा पावर, नहीं तो भाई 2 सिलेंडर निंजा 400 ले लो, निंजा 650 ले लो सीखने के लिए, बाकी अगर आप एक्सपीरियंस हो चुके हो तो कोई मतलब नहीं है, सीधा 10R पे जाओ, और बहुत ज्यादा बजट है तो 1000RR पे जाओ, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अब मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे पास अगर पैसे होते ना, अगर जैसे कि मैं तो भाई अभी GT 650 चलाता हूँ, अभी इससे ज्यादा हैवी बाइक मेरे हाथ बैठे नहीं है, ना मुझे पावर का नॉलेज है, तो भाई मैं तो 10R ले लेता, उसको रेन मोड में चलाता सबसे सही भाई, रेन मोड में ऑलमोस्ट 30-40% पावर कट हो जाता है बाइक का, तो भाई इतना तो है कि उसका जो टॉप मोड होता है जिसमें वो फुल पावर पे रहती है वो डाल के तो नहीं चलाता, लेकिन रेन मोड में चलाता भाई, सीखता उसी में, लेकिन 4R नहीं लेता क्योंकि भाई 11 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो रहा है, 11 लाख रुपए भी नहीं भाई, 11 लाख रुपए के बाद आपको कंपनी क्या देगी गाड़ी में भाई, आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, जो जो चीजें लगती है सब तो लगाना पड़ेगा आपको, आराम से 2-2.5 लाख रुपए की एसेसरीज लगेंगी आपको, 13-14 लाख रुपए की पड़ जाएगी। और भाई अभी देखो नई नई गाड़ी है, क्या पता उसकी रीसेल वैल्यू कैसी होती है, 10R की रीसेल वैल्यू एक नंबर है, समझ रहे हो ना, 6R की भी बहुत तगड़ी है, क्योंकि भाई ये बहुत समय से है मार्केट में और लोगों ने इसको चलाया, लोग जानते हैं कि भाई कैसी गाड़ी है, 4R अभी बिल्कुल नया है मेरे हिसाब से, तो बिना देखे बिना चलाए बिना समझे मत लेना गाइस, पहले गाड़ी को देखो, अभी रिव्यूज आने दो यार, और काफी सारे लोग तो इसलिए भी लेंगे कि अरे यार हमारी पहली आएगी हमारी दूसरी आएगी, ठीक है भाई वो सब ठीक है, लेकिन अगर मैं भी ऐसा पहले सोच रहा था, लेकिन अब मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है, पहले भाई देखो गाड़ी को कैसा क्या है, कैसा क्या सीन है, उसके बाद ही लो इतना जल्दी फैसला, क्योंकि भाई 11 लाख फंसाने के बाद इनलाइन 4 तो मिल जाएगा, लेकिन भाई पावर फिर मान लो राइड पे निकलोगे कभी कोई 600 सीसी की बाइक जो उससे कम में आती है, 900 कोई ले लो भाई, 900 उसके सामने गोली जैसी निकलेगी, ये भी बात है यार, हाई रेविंग इंजन तो मिल रहा है लेकिन और भी सारी चीजें देखना है भाई, मुझे अभी तक ठीक लग रहा था लेकिन जब मैंने प्राइस को देखा ना, और अगर मैं लेता तो भाई गाड़ी को ट्यून कराता, रीमैप कराता, मस्त उसकी पावर को जितना ज्यादा हो सके अपन इंक्रीज कर देते, मजा आता, लेकिन भाई उसमें भी पैसा लगता है यार 11 लाख रुपए लेके, और ट्यून कराने के भी मुझे ऐसा लगता है आराम से भाई 40-50 हजार रुपए तो लग ही जाएंगे, 20-25-30 हजार जो भी लगते हैं ट्यून कराने के भाई, समझ रहे हो ना, लेके जाना पड़ेगा गाड़ी को ले जाने, क्योंकि हम भाई जबलपुर में रहते हैं, अगर हमको कोई भी चीज करानी होगी तो लेके जाना पड़ेगा हमको दिल्ली या जहां भी लेके जाना, उसमें भी तो खर्चा होगा भाई, हर चीज में खर्चा होगा, तो ये सब देखते हुए भाई अब मैं ये सोच लिया मैंने कि अब मैं 4R के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा भाई, 11 लाख रुपए बहुत होता है, फिर उसके बाद उसमें एसेसरीज और ये वो काम कराते कराते उसके बाद भी भाई कोई 900 सीसी जो उससे कम में आ रही है वो निकल जाएगी सामने से, तो दिल को एक चोट तो लगेगी कि भाई मैंने इतने पैसे खर्चे हैं इसमें, अब मैंने सोच लिया है अगर मैं लूंगा भी भाई तो 10R लूंगा, अगर मैं कंपेयर करूं 4R से, 6R से भी कंपेयर करूं तो भाई 6R भी नहीं लूंगा, क्यों लेना यार 13-14 लाख रुपए की 6R आती है और 3-4 लाख और डाल के भाई अपन को 10R मिल जाएगी, 10R भाई अलग लेवल की बाइक है इन दोनों से, समझ रहे हो, कोई कंपैरिजन नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी प्राइस की बात पे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं तो 10R ही लूंगा यार, फिर मैं रेन मोड में डाल के चलाऊंगा उसको, जो कम से कम पावर होगा उसमें चलाऊंगा उसको, धीरे धीरे सीखूंगा, लेकिन भाई 10R ले लूंगा मैं, समझ रहे हो ना, पैसा भी तो इंपॉर्टेंट है, 18 लाख रुपए की अगर 10R पड़ेगी भाई, 2-3 लाख रुपए की एसेसरीज डालो लोड करो बस बहुत है यार, चलने दो, उसके बाद फिर 3-4-5 साल बाद अगर बेचना भी रहा तो भाई रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है 10R की,
इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 4R का मुझे ऐसा लगता है भाई कि क्या होगा रीसेल वैल्यू का। सही लगी था भाई। यस 25 यहाँ पे तो एजेंसी का भी नामो निशान ना जाने सालों साल तक नहीं रहेगा। तावेज भाई अगर कुछ करें तो बात अलग है। तो अपने तावेज भाई की दुकान जो है ना भाई वो रेनोवेट हो गई है, अब शोरूम टाइप बना दिया भाई ने। ये देखो भाई लोग, अरे वाह क्या बात है, टायर्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हैं गाइस। और सीट देख रहे हो भाई, ओल्ड मॉडल के लिए कितनी तगड़ी सीट रखी है वहाँ पे, जो सिल्वर वाली पट्टी लगी होती है ना, अच्छी लगती है भाई लोग। सही है यार, ऐसा होना जरूरी था। अब बंदा आके देख सकता है कि भैया वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, दिखाओ ना। सही है। सो रेसर फोर्स ऐसा कुछ था भाई इस वीडियो के लिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, होप करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जो मेरे दिल में था भाई, जो चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बाकी मेरी बात है, आप लोगों को कितनी सही लगी कितनी गलत जो भी लगा भाई लोग, प्लीज आप लोग शेयर करना यार, कमेंट के थ्रू कमेंट कर देना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो कोई भी बात करनी हो। तो बार बार मुझे यही चीज लग रही है भाई, बस अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो यही भाई, 11 लाख रुपए बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता मेरे हिसाब से भाई। मैं 10R पे जाऊंगा, मैं रुक के लूंगा यार, कोई जरूरी नहीं है। अगर मेरे को 11 लाख ही मेरा बजट होगा तो अब मैं कोई दूसरी गाड़ी देखूंगा भाई जिसमें मुझे ज्यादा पावर मिलेगा। इनलाइन 4 तो मिल ही जाएगा आराम से 11 लाख में, और जो कि थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी भी हो यार। और यही अगर 9.5 में होता ना भाई, तो फिर भाई बिल्कुल 4R ही उठाते। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अभी हम सिटी में देख रहे हो, ट्रैफिक तगड़ा ट्रैफिक है भाई, देख रहे हो भाई लोग, लव बर्ड्स कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया देखो भाई, देखो नीचे वाइट है। और यहाँ पे फिश भी मिलती है, एक्वेरियम मिलते हैं। अंकल कहाँ गए? और भैया कैसे हो, उस दिन आया था मैं मछली ले गया था, याद हूँ कि नहीं, भूल गए? आप बोले थे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई लोग, ये वाली है अपने एक्वेरियम में, देखो कितनी प्यारी फिश है यार। ये देखो भाई लोग, बहुत मजा आता है इनके साथ खेलने में। बड़ा एक्वेरियम लूंगा ना, छोटा सा है 9 लीटर का, काट काट के लगाना पड़ेगा। चलो ये ले ही लेते हैं गाइस, वैसे तो बहुत छोटा सा लगता है अपने में, लेकिन काम आएगा भाई, एक बार ले लिया। देखो कितनी प्यारी प्यारी फिश है। सो रेसर फोर्स हमने लिया भाई, ये फोम ये तो बहुत बड़ा है, इसको कट कर करके लगाना पड़ेगा। हमको ज्यादा नहीं चाहिए था, छोटा सा चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला कि इसको काट काट के लगाते रहना आराम से। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आराम से 1 साल चल जाएगा। और ये भाई मछलियों का खाना है हमारी, जल की रानियों का, तो ये आराम से 1-1.5 महीना चल ही जाएगा। छोटी छोटी सी तो मछलियां, बहुत ज्यादा भी नहीं देते हैं खाना उनको, हिसाब से देता हूँ भाई, क्योंकि ज्यादा खा लेती है तो समझ रहे हो ना, मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं। तो ले लिया हमने। सो रेसर फोर्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी बातें करनी हो, जो भी पूछना हो भाई लोग, इंस्टाग्राम में DM करो, फॉलो करो अपने भाई को, और कमेंट कर देना यूट्यूब में जो भी आपका ओपिनियन हो। कल मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।